आर्द्र कुमार का पिछला जन्म। उनका नाम सामायिक था, उनकी पत्नी का नाम बंधुमती था। दोनों ने मठवासी आदेश ले लिया, लेकिन सामायिक को अभी भी बंधुमती के प्रति आकर्षण महसूस हुआ, इसलिए बंधुमती ने संलेखन को स्वीकार कर लिया और उनकी मृत्यु के बाद स्वर्गीय भगवान बन गए। सम्मुख मणि भी संलेखन लेकर फिर स्वर्ग में गए। फिर उनका अर्ध कुमार के रूप में पुनर्जन्म हुआ और बंधुमती श्रीमती बन गई, जिन्हें अंततः मोक्ष मिला। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। जो तुमने आ वीडियो गम्यो हो तो आ वीडियो ने लाइक करो और मारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज ने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।